तो कैसे हो बादशाह भाई लोग। जैसे कि हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सुपरमैन जो है दुनिया का सबसे पहला सुपर हीरो है। सुपरमैन की जो पावर सोर्स है वो बहुत ही इन्फिनिट लेवल तक की है। सुपरमैन की फर्स्ट टाइम अपीयरेंस देखने को मिली थी 1938 के अंदर। जैसे ही सुपरमैन लोगों के सामने आया, ये लोगों का फेवरेट बन गया। सुपरमैन हमेशा ही टॉप मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज की लिस्ट में हमेशा नंबर 3rd पे आता है। तो जब सुपरमैन की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच इतनी ज्यादा बढ़ती हुई देखी दूसरे क्रिएटर्स या फिर स्टूडियोज ने, उन क्रिएटर्स ने भी सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर अपने को सुपर हीरोज बनाए। उन्हीं सुपर हीरोज की बात मैं तुम लोगों से आज की इस वीडियो में करूंगा। और इनमें से तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा लेवल पे कॉपी किया है सुपरमैन के कैरेक्टर को। वीडियो पे नए आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। तो अब जब सारी बातें हो ही गई हैं तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 10, इकरिस। अब इकरिस जो है मार्वल की इटरनल टीम का मेंबर है, जो कि सबसे पहले नजर आया था साल 1976 के इटरनल के इशू 1 के अंदर। इकरिस जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है इटरनल टीम का। इसकी ज्यादातर पावर जो है बिल्कुल कॉपी करी गई है सुपरमैन से। देखिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना, हीट विजन। इकरिस भी अर्थ के लोगों के लिए ही एलियन टाइप में काउंट होता है, जैसे कि सुपरमैन भी होता है। नंबर 9, ग्लेडिएटर। ग्लेडिएटर भी मार्वल का ही कैरेक्टर है, जो कि सबसे पहले नजर आया था हमें 1997 में आई एक्समैन इशू 107 के अंदर। तो ग्लेडिएटर भी एक एलियन टाइप में काउंट होता है। ये बिलोंग करता है एस्टोंटिया नाम के प्लैनेट से। ग्लेडिएटर जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है सुपरमैन के कंपैरिजन में। ग्लेडिएटर की जो पावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है सुपरमैन से, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना और हीट विजन। वैसे तो ग्लेडिएटर की पावर जो है उसकी कॉन्फिडेंस से बढ़ती है। अगर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा तो उसकी पावर्स भी बढ़ती रहेंगी। जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा तो उसकी पावर्स भी वीक होती जाएंगी। नंबर 8, ओमनीमैन। ओमनीमैन जो है इनविंसिबल सीरीज का कैरेक्टर है, जो कि सबसे पहले हमें नजर आया था साल 2011 में आई ओमनीमैन इनविंसिबल सीरीज में। ओमनीमैन जो है एक एलियन है जो कि विल्ट्रम नाम के प्लेनेट से बिलोंग करता है। विल्ट्रम जो है एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे सारे ही बच्चे या फिर बूढ़े जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओमनीमैन भी उनमें से एक ही होता है और इसकी पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है सुपरमैन से, जैसे कि सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना। ओमनीमैन के प्लेनेट के लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं तो वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और जो बचते हैं वो दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं कब्जा करने के लिए। तो इसी वजह से ओमनीमैन जो है वो अर्थ पे आता है, ताकि ओमनीमैन अर्थ पे कब्जा कर सके। नंबर 7, मार्शियन मैनहंटर। मार्शल मैनहंटर भी सुपरमैन की तरह ही डीसी यूनिवर्स का कैरेक्टर है। मार्शल मैनहंटर सबसे पहले दिखा था साल 1991 में डिटेक्टिव कॉमिक्स के इशू 2025 के अंदर। मार्शल मैनहंटर मार्स प्लैनेट से बिलोंग करता है, जहाँ पे ये उस प्लैनेट का आखिरी सर्वाइवर होता है। लेकिन फिर ये अर्थ पे आ जाता है और अर्थ के सुपर हीरोज यानी कि जस्टिस लीग के साथ मिलकर दुनिया की मदद करता है। मार्शल मैनहंटर के पास काफी सिमिलर पावर्स है सुपरमैन की जितनी, लेकिन ये अपने आप को गायब कर सकता है, आवाज चेंज करके बात कर सकता है, अपने शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, ये बहुत कुछ और भी कर सकता है। नंबर 6, यूटोपियन। अब यूटोपियन जो है एक सुपर हीरो कैरेक्टर है, जो कि हमें सबसे पहले नजर आया था 2021 में आई जुपिटर्स लेगेसी के अंदर। अब वैसे तो यूटोपियन की जो पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है सुपरमैन से, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो बहुत ही अलग है। अब वैसे तो यूटोपियन एक ह्यूमन बीइंग ही होता है, लेकिन इसको पावर्स मिलती है एक माउंटेन पर जाने के बाद। जैसे ही इसको पावर्स मिलती है ये इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है, अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता है, इसकी बॉडी जो है बुलेट प्रूफ बन जाती है और साउंड की स्पीड से भी तेज फ्लाई करने लगता है। नंबर 5, शज़ाम। शज़ाम को डायरेक्ट तो सुपरमैन की कॉपी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब इसका डेब्यू हुआ था तो ये बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर था सुपरमैन की जितना। जब 1938 के अंदर लोगों के सामने सुपरमैन आया तो लोगों ने उसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया और इसी वजह से विच कॉमिक्स ने भी अपना एक नया कैरेक्टर लॉन्च किया जिसका नाम था कैप्टन मार्वल। ये कैरेक्टर फिजिकल अपीयरेंस में तो बिल्कुल सेम था शज़ाम की तरह, लेकिन इसका नाम था कैप्टन मार्वल। इसी कैप्टन मार्वल को हम सब आज शज़ाम के नाम से जानते हैं। शज़ाम के पास भी काफी सिमिलर पावर है सुपरमैन की जितनी ही, चाहे वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्स, स्पीड, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन शज़ाम भी कम नहीं है। नंबर 4, ब्लू मार्वल। तो ब्लू मार्वल मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास सिमिलर पावर है सुपरमैन की जितनी ही। अब वैसे तो ब्लू मार्वल एक ह्यूमन बीइंग है जो कि पैशन से एक फिजिक्स टीचर और एक सबमराइनर होता है। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर एक एंटी मैटर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है, जिसके बाद इसको पावर्स मिलती है ब्लू मार्वल की। ब्लू मार्वल के पास भी सुपर फ्लाइट, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टैमिना जैसी पावर्स हैं। लेकिन इसके अलावा ब्लू मार्वल एंटी मैटर को एब्जॉर्ब करके उसको प्रोजेक्शन भी कर सकता है। और मार्वल कॉमिक्स में तो ब्लू मार्वल इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने एक ही बच में मून के 2 टुकड़े कर दिए थे। नंबर 3, होमलैंडर। होमलैंडर जो है द बॉय सीरीज का कैरेक्टर है, जो भी हमें सबसे पहले नजर आया था 2006 में आई द बॉय सीरीज के इशू 3 के अंदर। अब वैसे तो होमलैंडर इस कदर कॉपी किया गया है सुपरमैन से, मैं तुम लोगों को बस क्या बताऊं, क्योंकि इसकी जितनी भी पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है सुपरमैन से, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सुपर स्पीड, सुपर हेयरिंग, सुपर सेंस और हीट विजन। जैसे कि सुपरमैन लीड मेटल के थ्रू आर पार नहीं देख सकता, तो वैसे ही सेम होमलैंडर भी जिंक मेटल के थ्रू आर पार नहीं देख सकता। वैसे तो सुपरमैन और होमलैंडर में यही डिफरेंस है कि जहां पे सुपरमैन जो एक सुपर हीरो है, लेकिन होमलैंडर जो है उसी जगह पे एक एंटी हीरो या फिर विलन ही समझ लो इसे पूरा। जैसे कि सुपरमैन जो है क्रिप्टोनियन है और लोगों की
मदद करता है। होमलैंडर सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है और दिखावा करता है लोगों की मदद करने का। नंबर 2, हाइपेरियन। हाइपेरियन जो है मार्वल का ही कैरेक्टर है जिसको सबसे पहले देखा गया था 1969 में द एवेंजर्स के इशू 69 के अंदर। हाइपेरियन जो है इतना ज्यादा कॉपी करा गया सुपरमैन से क्योंकि इसकी जो पावर्स और ओरिजिन है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। हाइपेरियन जो है दूसरे प्लेनेट से आया है और इसकी पावर सोर्स भी सन है। जैसे कि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को कमजोर बना देता है तो वैसे ही सेम हाइपेरियन को कमजोर बना देता है वाइब्रेनियम। जैसे कि सुपरमैन एक न्यूज रिपोर्टर है तो वैसे ही सेम हाइपेरियन भी एक न्यूज रिपोर्टर है। नंबर 1, सेंट्री। सेंट्री जो है मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हमें सबसे पहले नजर आया था साल 2000 में द सेंट्री के इशू 1 के अंदर। सेंट्री जो है इतना ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर है सुपरमैन से कि फैंस जो है उसको सुपरमैन ही कहते हैं मार्वल का, क्योंकि सुपरमैन के पास जैसे ही पावर्स है वैसे ही सेम पावर्स है सेंट्री के पास। सुपरमैन की तरह ही सेंट्री भी कैप पहनता है और उसकी बॉडी भी बना हुआ है एस। बताया तो ऐसे भी जाता है कि सेंट्री किसी गॉड से कम नहीं है मार्वल के अंदर। सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है, इसी वजह से ये मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है और अपने पावर्स को किसी भी बंदे के साथ शेयर कर सकता है। और तो और लाइट प्रोजेक्शन कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, अगर सेंट्री चाहे तो वो किसी मरे को भी जिंदा कर सकता है। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और मैं तुम लोगों को इस वीडियो में टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स बताना चाहता था जो कि बिल्कुल इंस्पायर्ड है सुपरमैन से। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा इनमें से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि पसंद करते हैं सुपरमैन के जैसे कैरेक्टर्स को या फिर इनमें से कोई से भी कैरेक्टर को। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस और देखने के लिए।